इंदौर की सांवेर सीट से टिकट देने पर मंत्री तुलसी सिलावट ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। ABC24 से बातचीत करते हुए तुलसी सिलावट ने कहा कि मालवा निवाड़ में इस बार बड़ा उलटफेर होगा। बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है और मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को सांवेर से फिर से पार्टी ने मैदान में उतारा है। हमारे साथ में तुलसी सिलावट जी हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात की चौथी लिस्ट जारी हुई है और आपको पार्टी ने सांवेर से फिर भरोसा जताया है, आपको मैदान में उतारा है। जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे छोटे कार्यकर्ताओं को दूसरी बार जवाबदारी दी है, मैं इसके लिए आभार मानता हूं। मतलब जिस तरीके से ये लिस्ट अभी जारी हुई है, मालवा निमाड़ में बात करें तो 15 नाम अभी फिलहाल मालवा निमाड़ से हैं, जिसमें राजवंदर सिंह जत्तीगांव और बड़े तमाम जो मंत्री पद पर रहे हैं उनको, मौजूदा जो सिटिंग MLA हैं, जो विनिंग MLA हैं, उनको पार्टी में मैदान में उतारा है। और इस बार पार्टी का फोकस भी मालवा निमाड़ पर ज़्यादा है। 2018 की बात करें तो उस समय 10 सीटें कम मिली थी, 38 सीटें कांग्रेस की थी, 28 सीटें जो अब की। आपको बता दूँ, मालवा और निमाड़ में सब उल्टा होगा, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम सारे दावे हैं और अलग अलग बड़े नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं, क्या अभी चुनाव जीतने की बात करें, ये बात जब समय आएगा जब करेंगे। तो ये था हमारे साथ में सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिनका कहना है कि भारी बहुमतों से मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन संतोष जठवन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, सांवेर।